बिल्कुल। तो देखिए, भूपेंद्र पटेल जी ने बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इमेज उनकी जनता के बीच में है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया कि जब अगर बहुमत मिलेगा इन आने वाले चुनावों में तो भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पार्थिव राज जी, सवाल मेरा कांग्रेस से लेकर है। नाराज है 48% लोग, लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को करेंगे, ये किसकी नाकामी है, ये किसका फेल्योर है? क्योंकि लीडरशिप की बात पर आप लोग जवाब नहीं देते हैं, जनता के सामने विकल्प नहीं है, किसे चुने? वो पहली और पांचवी तारीख को गुजरात की जनता तय करेगी कि वो नाराज है और परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो तो वोट में जब परिवर्तित होगा तब पता चलेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो कैंपेन था, शुरुआती कैंपेन था, पॉजिटिव कैंपेन था, कांग्रेस नु काम बोले थे। हम बात करते हैं यहां से 200 मीटर दूर एनआईडी करके संस्था है, किसके शासन में बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में बनी। यहां पे आईआईएम करके संस्था है, किसके शासन में बनी? वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में बनी। 30,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल किसके शासन में बने? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में बने। हम बात करते हैं कि गुजरात में जो सारी डेयरीज है किसके शासन में बनी? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में बनी। हम बात करते हैं कि गुजरात के जो डैम्स है, ये हम इसलिए बात करते हैं, विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, विकास का मॉडल क्या होता है, हमारा विकास का मॉडल जनता पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी नहीं। जवाब जरूर लीजिए, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मैं आदित्य शेठ हूं और मेरा सवाल, आज कांग्रेस की हालत गुजरात में ऐसी हो गई है कि हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। महोदय, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक आज कोई डिनाई नहीं करेगा कि आज एक लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस पार्टी में, कोई चेहरा नहीं है और डेमोक्रेसी में एक मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत है। तो कांग्रेस इतने सालों से एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव ऑपोजिशन, इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपोजिशन क्यों नहीं बन पाई? आप तो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, सवाल विपक्ष को लेकर ही खड़ा हो गया। कोई आता है यहाँ पे सवाल सत्ता पक्ष के लिए? कोई सवाल वैसे नहीं, जनता है सर, जनता। इसलिए आगे जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, इसलिए जवाब दूंगा। और ये जवाब मेरा ये है कि उनको चिंता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही। तो भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप परिवर्तन लाइए, क्योंकि ये 6,000 स्कूल बंद करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है वो मेडिकल कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन करने वाले लोग हैं। इन्होंने हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों को दे दिया, अदानी को दे दिया, और दूसरा हॉस्पिटल उन्होंने जाइडस को दे दिया। ये वो लोग हैं जिसके सत्ता में 40 लाख शिक्षित युवा बेकार है, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ सरकारी एग्जामिनेशन में 14-14 पेपर लीक होते हैं, ये वो लोग हैं जिनके शासन में बहन बेटियों का दिन दहाड़े गला काटा जाता है, ये वो लोग हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्ता परिवर्तित कीजिए और ऐसे विपक्ष को सत्ता में लाइए कि जो आपकी सोच है। छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद मेरे बाकी मेहमान उनके पास भी जाऊंगा। जी, एक तो जहां तक गुजरात की बात है, इसी प्रकार की भ्रम फैला के, इस प्रकार का झूठ बोल के और गुजरात का विरोध करके कांग्रेस के लोग किसी प्रकार की परिस्थिति में नहीं रहे, विपक्ष की भी भूमिका में नहीं रहे। आप एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की और अलग अलग दक्षिण के राज्यों में घूमे, अलग अलग पादरियों को मिले, लेकिन वहां किसी उन धार्मिक व्यक्तियों से मिलना नहीं हुआ। जैसे वो महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र के तुरंत केसरी टोपी पहन ली, और उसके बाद वहां किससे मिलते हैं? मेधा पाटकर जिसने शुरुआत से ही इस नर्मदा कैनाल का विरोध किया था, उसने बोला था ये नर्मदा का कैनाल कभी पूरा नहीं होगा। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से कच्छ के अंतिम गांव तक जिस प्रकार से इस नर्मदा के माध्यम से जिस प्रकार से पानी पहुंचाया है, और ये उसका परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मोदी जी ने गुजरात के लिए जिस प्रकार से काम किया है, और सिर्फ इनकी तरह से बड़ी बड़ी बातें नहीं की है, बहुत अच्छा काम किया है। इसकी वजह से गुजरात के लोगों को मोदी जी पर विश्वास भी है, प्रेम भी है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, और इस प्रकार से डबल इंजन सरकार फिर से बड़ी तादाद में और बड़ी सीटों के साथ फिर से रिपीट होगी। चलिए ठीक है, अभी मैं जनता के पास भी आऊंगी। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे हाथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब जनता भी जानना चाहती है, और वो सवाल है कि कौन बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री। आइए सीधा स्टूडियो सौरभ के पास और जान लेते हैं इसका जवाब। देखिए, मैं इसमें से ये आंकड़ा सामने रखने से प्राची ये एक बात कह देना चाहता हूँ दर्शकों से। देखिये, ये सवाल पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये इनमें से आपको कौन बेहतर लगता है।
रहा है। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में बिल्कुल अलग है कि सर्वे में किसकी सरकार बनती दिखाई देती है, कितना वोट शेयर है, वोट शेयर फिर सीटों में कैसे तब्दील होता है, वो बिल्कुल अलग गणित है। लेकिन अगर आप सीधे पूछें सीएम के लिए आपको कौन लगता है उपयुक्त है व्यक्ति, तो भूपेंद्र पटेल जो मौजूदा मुख्यमंत्री है 32% लोग उनके नाम पर हामी भरते हैं। 32% लोगों ने कहा भूपेंद्र पटेल एक अच्छे सीएम, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं, हो सकते हैं आगे। तो ये जो इनकमबेंट सीएम होता है उसके नाम पर ज्यादा लोग हामी भरते भी हैं, ये भी हमने देखा है तमाम सर्वे में। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं गुजरात के, 6% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। भरत सिंह सोलंकी पूर्व जीपीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो 4% लोगों की सीएम के नाम पर, सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद है। ईसुदान गढ़वी जो अभी अभी आम आदमी पार्टी के चेहरे घोषित किए गए हैं और वो एक टीवी पत्रकार थे हमारी तरह, 7% लोग उनको उनका नाम लेते हैं। तो ये अगर प्रमुख चेहरों की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे, अनुभवी चेहरे, उनसे ज्यादा पसंद ईसुदान गढ़वी की नजर आ रही है और सबसे आगे नजर आ रहे हैं खड़े हुए भूपेंद्र पटेल। प्राची बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल 32% लोगों की पसंद है। अजय जी इस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, भूपेंद्र पटेल को बेशक कम समय मिला हो लेकिन जितना भी समय उनको मिला उन्होंने कम से कम इतनी छवि तो अपनी बना ली कि जब उनसे ऑप्शंस जनता से पूछे गए तो भूपेंद्र पटेल ही अभी भी पहली पसंद है जनता की। ऑब्वियस है, देखो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, आपके सर्वे भी ये बता रहे हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित भाई, प्राइम मिनिस्टर तो अपने हर एक स्पीच में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि मैंने जो रिकॉर्ड बनाया वो भूपेंद्र भाई तोड़े, वो भी मैं चाहता हूं। और अमित भाई अपने हर एक टीवी प्रोग्राम में ये कहते हैं कि भाई गुजरात के अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही रहेंगे, इसलिए ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि भूपेंद्र भाई पटेल ही बनेंगे। और पटेल पाटीदार समूह के होने की वजह से उनका एक्सेप्टेबिलिटी रेट भी काफी अच्छा है, काफी सहज सरल स्वभाव के वो व्यक्ति हैं और गुजरात में एक सर्वस्वीकृत चेहरा है, काफी साफ इमेज है। तो मुझे भी लगता है कि भूपेंद्र भाई पटेल ही, अगर आप मुझे भी पूछो तो मैं वही कहूंगा कि वही आज की चॉइस है। बिना ब्रेक के लगातार ये ओपिनियन पोल अभी जारी है क्योंकि अभी 61 सीटों वाले मध्य गुजरात का की ओपिनियन आपके सामने रखना बाकी है। अभी तक हम लोग सौराष्ट्र कच्छ की बात कर चुके हैं, दक्षिण और उत्तर गुजरात की बात हम कर चुके हैं और लगातार टैली आपकी स्क्रीन पर चल रही है। 121 सीटों का सर्वे आ चुका है, 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसा लगता है 121 में से जीत सकती है, बढ़त बना रही है। इसके अलावा 43 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखती है, 6 पर आम आदमी पार्टी, जो मैजिक फिगर है वो है 92 सीटें जो हैं वो चाहिए। और अभी जब हम केंद्र गुजरात की बात करना भी बाकी है तभी 72 सीटों पर आगे दिख रही है बीजेपी। जल्दी से एक रिकैप आपके लिए करते हैं, सौराष्ट्र की बात करते हैं, कच्छ सौराष्ट्र में हमारे सर्वे में क्या वोट दिखाई दिया किस पार्टी के लिए और कितनी सीटें उस वोट से तब्दील हो सकती हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सौराष्ट्र के आंकड़े, सौराष्ट्र 54 सीटों वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और कल भी इस इलाके में वो रहने जा रहे हैं। 54 सीटों में से 30 बीजेपी जीत सकती है हमारे सर्वे में ऐसा अनुमान है। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है, 3 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है और अन्य को फिलहाल कोई सीट मिलती सौराष्ट्र से नहीं दिखाई दे रही है। 21 कांग्रेस, 30 भारतीय जनता पार्टी, 3 आप पार्टी और 0 अदर्स अन्य। तो ये आपके सामने सौराष्ट्र की सीटों का जो गणित है, जो आंकलन है वो है। अब दक्षिण गुजरात की हम बात कर लेते हैं, दक्षिण गुजरात में 35 सीटें हैं, ये वो इलाका है जहां सूरत भी आता है और यहां आप देखें तो बीजेपी 35 में से 26 सीटें निकाल सकती है ऐसा हमारा अनुमान है आज की तारीख में। कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत सकती है, बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दक्षिण गुजरात में 3 सीटें आम आदमी पार्टी को यहां भी मिल सकती हैं और यही वो रीजन बताया जाता है सूरत और आसपास के इलाकों का जहां आम आदमी पार्टी का जो भी सबसे बड़ा जनाधार है वो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।